नमस्कार साथियों, गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे सामने सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं उनमें से एक प्रश्न यह होता है कि जन्म कुंडली में कौन से भाव के स्वामी का रत्न पहनना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं बुध हमारे भाग्य का स्वामी है, लेकिन आठवें घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है, बारहवें घर में बैठा है। तो क्या 6, 8, 12वें घर में बैठे हुए ग्रहों के रत्न पहन सकते हैं? क्या हम 6, 8, 12 जो घर हैं, त्रिक स्थान हैं, उनके स्वामियों के रत्न पहन सकते हैं? आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जन्म कुंडली में वैल्यू इस बात की है कि ग्रह किस घर का स्वामी है, वह कहां पर बैठा हुआ है, यह वैल्यू नहीं करता। मान लिया हमें भाग्य स्थान के 9वें घर के स्वामी का रत्न पहनना चाहिए। अब 9वें घर का स्वामी 6, 8 या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, केवल वह 9वें घर का स्वामी है, इतना ही पर्याप्त है। तो पहली बात तो आप यह समझिए कि ग्रह किस भाव का स्वामी है, आप इस बात को तवज्जो देंगे, वह कहाँ पर बैठा है, छठे में बैठा है कि आठवें में बैठा है कि बारहवें में बैठा है, इसको तवज्जो नहीं देंगे। दूसरी बात, लग्नेश का, पंचमेश का, नवमेश का और दशमेश का, ये 4 ग्रहों के स्वामी का रत्न पहनने से व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर रत्न शुद्ध है, आपका रत्न महंगा है, टूटा फूटा नहीं है और सही तरीके से आपने पहना है तो काम तो करेगा, ठीक है। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि 6, 8, 12 जो घर हैं, त्रिक स्थान हैं, उन घरों के जो स्वामी हैं उनके रत्न ग्राह्य हैं या नहीं है, उनके रत्न पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि आपको 6, 8, 12 घरों के स्वामी के रत्न पहनने से बचना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है और यदि आपने पहन लिया तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी आ सकती है, बहुत सारी समस्याओं से आपको आमने सामने होना पड़ सकता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के किस भाव का स्वामी है इस बात पर ध्यान दें, कहां पर बैठा है इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हमारा आपका आज का सब्जेक्ट था। और यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, सही जानकारी तक अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप उसको शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।